हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों की क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की। क्लास 11 एजी का चल रहा है मैथ। तो बेटा, मैथ में देखिए प्रश्नावली चल रही है आपकी 15.2। कौन सी 15.2? 15.2 में बेटे हमने पार्ट वन में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व कर लिए और पार्ट टू में हमने 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये आपका पार्ट जो है वो थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो बेटा, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको, किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। आप संपर्क करिए बेटा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मेरे चैनल पे आपको चाहे वो फिजिक्स है, चाहे बॉटनी है, चाहे मैथ है, तीनों सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेटा, आप नोट्स लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। चलिए बेटे, सबसे पहले हम इस प्रश्नावली में अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है तो इसे समझिए। आप देखिए 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ, ये बेटा आपको बता दें, फर्स्ट ईयर एजी का मैथ है। फर्स्ट ईयर एजी मैथ, भारत भारती प्रकाशन का मैथ है फर्स्ट ईयर एजी मैथ। और जो प्रश्नावली है आपकी, ये प्रश्नावली है आपकी, देखा बेटा 15.2, ठीक है 15.2। और पार्ट आपका ये थर्ड है। अगर आप बेटा पार्ट थर्ड डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट टू देखिए और इससे पहले इस प्रश्नावली का पार्ट वन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21वां, देखिए 21वां क्वेश्चन है, यदि टेन ए क्या है, टेन ए बराबर ए बटे बी कॉमा टेन बी बराबर सी अपॉन डी, तो बेटा वो सिद्ध क्या करवा रहा है। तो आपसे देखिए, ये सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध कीजिए टैन ए प्लस बी बराबर ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी माइनस ए सी। ये बेटा सिद्ध करवा रहा है। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, आप टेंशन ना लें, सिर्फ क्वेश्चन को समझिए। देखिए बेटा, टेन ए प्लस बी बराबर होता क्या है, समझिए क्या होगा। देखो बेटा, टेन ए प्लस बी बराबर, आपने फार्मूला भी पढ़ रखा होगा, देखिए क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए और टेन बी हो गया। ये फार्मूला है, इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे। तो इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, देखो टेन ए की जगह आप ए बटे बी रख सकते हैं, तो टेन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए बटे बी। ये बेटा ए है, ए बटे बी, प्लस लगा है तो प्लस लगा दो आप। टेन बी की जगह, टेन बी की जगह क्या है, सी अपॉन डी, तो आप सी अपॉन यहाँ डी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, वन माइनस है तो आप वन माइनस रख दीजिए। फिर क्या है, टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू क्या है, ए बटे बी, तो बेटा आप यहाँ पे ए बटे बी रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या है, कुछ कोई भी साइन नहीं है, इनटू का साइन है, कोई साइन नहीं है तो इनटू का साइन होता है, इनटू का मतलब गुणा, क्या हो जाएगा, देखिए टेन बी है तो टेन बी की वैल्यू सी अपॉन डी, यहाँ आप रख लो बेटा सी अपॉन डी, ये आपका बन गया। ठीक है, अब डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका बेटा बी डी, नीचे है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी माइनस ए सी। समझ में आया क्वेश्चन, ए बी प्लस सी डी था, वन माइनस ए बी इंटू क्या आ गया था, सी डी आ गया था। तो ये जब आप आगे बढ़ाओगे इसे तो ये चेंज किस प्रकार से हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी माइनस ए सी। क्वेश्चन बेटा आपका ये 21वां सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अब बेटा 22वां क्वेश्चन समझेंगे। 22वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है। 22वां क्वेश्चन है यदि टेन बी क्या है बेटा, टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस, ये प्लस है, 1 प्लस टेन ए तो सिद्ध करवा रहा है। तो वो आगे कह रहा है बेटा, तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, ये द है, सिद्ध करो, सिद्ध करो टेन ए प्लस बी बराबर 1। क्या करवा रहा है वो, टेन ए प्लस बी बराबर 1, 1 लेके आना है, टेन ए प्लस बी बराबर 1। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन को समझिए सिर्फ। देखो बेटा, पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होगा, देखो बेटा, टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए और 1 प्लस टेन ए, ये तो दे रखा है, टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए और 1 प्लस टेन ए। चलिए, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा आपका, समझिए। देखो टेन बी बराबर नहीं, टेन बी और 1 प्लस टेन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, ठीक है। दूसरे रूप में इसे क्या कह सकते हो, अर्थात आपका क्या बन जाएगा, आपका ऐसे भी हो जाएगा। देखिए टेन बी, अर्थात कर दे रहा हूँ, टेन बी प्लस टेन ए, टेन बी प्लस टेन बी टेन ए, टेन बी प्लस टेन बी और टेन ए बराबर 1 माइनस टेन ए, ये भी हो जाएगा। इसलिए देखिए आगे क्या होगा बेटा, आगे हो जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए और टेन बी, ये हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ना लिखो तो अर्थात करके देखो, ऐसे करके भी ले सकते हो आप, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। देखिए टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए और टेन बी बराबर कितना 1। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन, टेन और ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर 1, ये चेंज हो जाएगा पूरा, टेन ए प्लस बी बराबर 1, क्योंकि इसे जब आप खोलोगे इतने के लिए खोलोगे तो क्या आएगा, ए वाला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हमने 22वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 23वें क्वेश्चन को समझिए। 23वां क्वेश्चन क्या है देखिए, 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 23वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि ए प्लस बी बराबर 45 तो सिद्ध करो, तो क्या कह रहा है वो, सिद्ध करो 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन बी बराबर कितना 2, ये बेटा सिद्ध करके लाना है। तो बेटा सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, आराम से बन जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखो सीधे सीधे दे रखा है ए प्लस बी बराबर है 45 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा है, सही है, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए हो जाएगा आपका, इसलिए टेन ए प्लस बी बराबर टेन 45 और टेन 45 का मान 1। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए बेटे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और टेन बी, यही तो होता है, इसके बराबर 1 कर लो तो क्या हो जाएगा, ये अर्थात क्या हो जाएगा समझो। देखो ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1 माइनस
टैन ए और टैन बी, इसलिए वन और टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए और टैन बी बराबर कितना, दो। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया अर्थात ये आपका बन गया, देखिए वन प्लस टैन ए और वन प्लस टैन बी बराबर कितना, दो। यही तो बेटा सिद्ध करवा रहा था। तो 23वां क्वेश्चन बन गया, कोई भी परेशानी नहीं हुई। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कोई भी समस्या है आपको तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी हर समस्या को सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। बेटा 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 24वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है सिद्ध करो, क्या कह रहा है, सिद्ध करो टैन 15 प्लस टैन 30 प्लस टैन 15 इंटू टैन 30 इंटू टैन 30 बराबर कितना, वन सिद्ध करना है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। इतना प्यारा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। इस क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। देखो ये टैन और दे रखा है 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 15 30 कितना हुआ 45, तो बेटा ये बन गया आपका टैन 45 डिग्री। इतना समझ में आया, अर्थात दूसरे रूप में आप किस क्या कर सकते हो, इसे देखिए, ये हो जाएगा आपका टैन 15 डिग्री प्लस टैन 30 डिग्री अपॉन वन माइनस टैन 15 डिग्री और टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, वन। तो देखिए इसलिए बेटा क्या बन जाएगा आपका, समझो, देखो टैन 15 प्लस टैन 30 बराबर वन माइनस टैन 15 और टैन 30 वन माइनस टैन 15 डिग्री और टैन 30 डिग्री बेटा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, समझिए, अर्थात आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा, देखिए टैन 15 प्लस टैन 30 प्लस टैन 15 इंटू टैन 30 30 डिग्री और बराबर कितना, वन। यही बेटा आपको सिद्ध करना था, क्वेश्चन आपका 24वां सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है सिद्ध करो, वो बेटा आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि टैन पाई बटे 4 प्लस ए और ये है टैन पाई बटे 4 माइनस ए और बराबर 1। एक बार प्लस दिया है, एक में माइनस दिया है, कोई भी समस्या नहीं होगी, बन जाएगा आराम से। तो आपका क्वेश्चन है टैन पाई बटे 4 प्लस ए टैन पाई अपॉन 4 माइनस ए बराबर 1 लेके आना है आपको। तो देख लिखो आप बायां पक्ष बराबर सीधे टैन 45 प्लस ए और टैन 45 माइनस 1, ये है कंडीशन। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, अब आगे समझिए, इसके बराबर हो जाएगा, देखिए टैन 45 प्लस टैन ए
अपॉन वन माइनस टेन 45 और टेन ए, ए तो कंडीशन है, प्लस टेन 45 माइनस टेन ए, टेन 45 माइनस टेन ए अपॉन क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन 45 और टेन ए, वन प्लस टेन 45 और क्या हो जाएगा टेन ए। अब क्या बनेगा आगे समझिए, ये वो आपका हो जाएगा बेटे वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए। अब आप समझो वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए, वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए, तो वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन ए एकम तो एक ही आया, और वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए एकम एक ही तो आया, और एक एकम कितना हुआ एक। इस प्रकार से बेटा आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेटे देखिए कितने आराम से हमने प्रश्नावली 15.2 के पार्ट थर्ड को हमने आराम से कवर कर लिया। पार्ट थर्ड हमारा बेटा था, पार्ट थर्ड में हमें क्वेश्चन पढ़े थे 21 से लेके और 25 तक, 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। और पार्ट वन में हमने 1 से लेके 10 क्वेश्चन पढ़े, ये पार्ट वन था। पार्ट टू में हमने 11 से लेके 20 क्वेश्चन पढ़े, ये बेटा पार्ट टू था, ये पार्ट वन था, और ये आपका पार्ट थ्री है। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।